अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज दावत पे जा रहे हैं, इसका व्लॉग है। और ये मैं सूट निकाल के रखी हूँ पहनने के लिए। इस तरह से है और ये पर्स, ये जो तो चलिए तैयार हो जाते हैं और चलते हैं दावत की तरफ। तो मैंने फेस वॉश करके कपड़े पहन के नए वाले, अब मैं ज्वेलरी सेट कर रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे बैंगल्स का सेट और ये जो गले में पहनी हूँ वो सब। और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा मेकअप करूँगी। मेकअप तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है और काजल और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, बस इतना ही। और जाएंगे हम अब। तो देखिए मेरा लुक कैसी दिख रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए पर्स मैंने लिया है, और ये मेरा सूट, और मैं कैसी दिख रही हूँ। और ये अब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, पीछे के साइड में मैं और दादा दादी बैठे थे और आगे मम्मी पापा। और अब ये सांगली का व्यू है, हम लोग पहुँच गए हैं सांगली में। और ये वहाँ की चहल पहल है, तो देख लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे रुके थे कुछ खरीदने के लिए, और मेरी जो सिस्टर है कज़िन, वो देखी हमको तो बातें कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। और वो खा के, मतलब दावत खा के वो जा रही थी, और हम जस्ट वहाँ पे पहुँच गए थे इसलिए हम लोग मिले थे। और ये हम लोग अभी फाइनली उनके घर के यहाँ पे पहुँच गए हैं। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ मैं, बहुत बारिश का मौसम था। और ये देखो, ये जो अब गई ना वो मेरी फूफू की लड़की है, उसके यहाँ पे दावत है। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। और ये सब हमारे फूफू के उधर की फैमिली है, मतलब उनके देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ और नंदे, उनके बच्चे, देवरानियों के बच्चे। और फूफू की लड़कियाँ, मतलब लड़का और बहू, उनके बच्चे, बहुत मतलब बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अच्छे भी हैं सब लोग। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और ये हमारे खाला, दोनों खाला हैं जिनसे आप मिल भी चुके हैं, वो अभी अभी आई हैं, तो उनका एक शूट लिया है मैंने। और ये देखिए ये वाली छोटी वाली, उससे मुझसे मिले बगैर रहा नहीं जाता, तो आके डायरेक्ट मुझे मिल रही थी। और ये सेमो अपना कुछ तो दिखा रही थी, शायद मैं ऐसे पहनी हूँ वैसे पहनी हूँ, बच्चों को शौक वैसे ही रहता है दिखाने का। और ये देखिए, ये मैं, आप इनसे पहली बार मिले हो, ये मेरे फूफू की सेकेंड लड़की है, मतलब छोटी वाली, इसकी यहाँ पे ही दावत है। और इसका नाम रेशमा है, और इसे हम प्यार से गोटिया करके बुलाते हैं, तो वो ये हमारी मस्ती चल रही है। और वो बता रही थी कि दावत है, किस मतलब किस चीज़ की दावत है, क्या है, लेकिन वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए नॉइस नहीं आ रही थी सही से, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया यहाँ पे। और अब फाइनली मिल लीजिए मेरे फूफू से, इकलौती फूफू है मेरी। हाँ, दौड़ के काम करती है।
और अब मिल लीजिए मेरे चाची से। मैं इसे बड़ी मम्मी कह के बचपन से बुलाती हूँ और बचपन में मेरा और इसका बहुत बहुत जमता था। तो इधर खाने के लिए लोग बैठे हैं, थोड़ी थोड़े लोग खा के बैठे हैं ऊपर साइड में और अभी थोड़े बैठना शुरू हुए हैं। तो ये जो येलो ड्रेस में बैठी है वो मेरे पप्पू की बहू है और उसके सामने जो छोटा बच्चा है वो पोता है मेरे पप्पू का। और ये उसका किचन है और किचन में से बाहर के हॉल में जो टीवी रखी है वो इजीली दिख जाती है। तो वो वही बता रही थी कि मैं खाना बनाते बनाते किचन में से टीवी देखती हूँ। और ये देख लीजिए मेरा फुल लुक कैसे दिख रही हूँ मैं। तो खाना खाने के बाद बच्चों का खेल किधर भी शुरू हो जाता है। और सेमू को तो वो मतलब फूफो की लड़की के जो लड़की है जिया वो बहुत दिनों से मिली है। तो वो दो लोग वो अपने बर्तन उसे दिखा रही है, मेरे बर्तन देखो कैसे हैं क्या है, और वो दो लोग खेल रहे हैं। तो कैसे लगी मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।